नमस्कार दोस्तों, अनिल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 25 सितंबर तक की करंट अफेयर्स के बारे में, तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी को रजत पदक मिला? आंसर है ब्रिजेश यादव। ब्रिजेश यादव ने 81 किलोग्राम का भार सैक उठाकर ये रजत पदक जीता। सेकंड प्रश्न है, देश भर में सैन्य क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा आर्मी सोलर प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ? तो आंसर है जोधपुर। यह सोलर प्लांट की क्षमता 6 मेगावाट की रखता है। इसमें करीब 80 लाख रुपए प्रति माह बिजली की बचत होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 19 जुलाई 2019 को प्रदेश के कितने ब्लॉक्स में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 167 ब्लॉक्स में। इसमें 167 ब्लॉक जहां पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल नहीं है, वहां पर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, 8 जून 2019 को BSF राजस्थान के नए IG बनाए गए हैं अमित लोढ़ा। नव नियुक्त IG अमित लोढ़ा ने अनिल पालीवाल का स्थान लिया है। प्रश्न नंबर 4, 21 जून 2019 को पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहां आयोजित हुआ? आंसर है अजमेर। अजमेर के पटेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग दिवस का समारोह मनाया गया था। प्रश्न नंबर 6, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा की किस योजना को प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया गया है? तो आंसर है आयुष्मान भारत। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में यह सबसे बड़ी योजना की घोषणा की है, जो है आयुष्मान भारत। प्रश्न नंबर 7, जुलाई 2019 में जारी फॉर सेलिब्रिटी 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फोर्ट सेलिब्रिटी शो में शामिल होने वाले इकलौती भारतीय हैं। 444 करोड़ रुपए की कमाई के साथ वे इस सूची में 33वें नंबर पर हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्व के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाली प्रथम IPS अधिकारी है अर्पणा कुमार। हाल ही में किस राज्य में दक्षिणी मध्य रेलवे ने सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया? आंसर है आंध्र प्रदेश। दक्षिण मध्य रेलवे ने आंध्र प्रदेश में चेरावल्लीपुरम और रापुरु स्टेशनों के बीच 6.6 किलोमीटर की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने 3 जून 2019 को केंद्र सरकार को दूसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 11, 21 जून 2019 को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? आंसर है तेलंगाना। 21 जून 2019 को तेलंगाना में जयशंकर भूपालपल्ली जिले के
मेडीगुड्डा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दुनिया की सबसे बड़ी कालेश्वरम मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। प्रश्न नंबर 12, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जिसके कार्यकाल में एक माह की बढ़ोतरी की गई है? इसका आंसर है एन के सिंह। 17 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक माह बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री बने हैं मार्क एस्पर। जुलाई 2019 को मार्क एस्पर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय मूल की महिला जिन्हें यूएन वुमेन की उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया वो है अनिता भाटिया। 30 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारतीय मूल की अनिता भाटिया को यूएन वुमेन का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हॉकी सीरीज फाइनल्स 2019 हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है भारत। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने वर्ल्ड हॉकी सीरीज फाइनल्स हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीता है। हाल ही में 9वें सार्क फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया? आंसर है नगर कीर्तन। नगर कीर्तन निदेशक कौशिक गांगुली की बंगाली फिल्म नगर कीर्तन ने सार्क फिल्म समारोह में 4 पुरस्कार जीते। मिस इंडिया 2019 के खिताब के विजेता हैं सुमन राव। 15 जून 2019 को राजस्थान की सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता। नेक्स्ट है, जून 2019 में यूनिसेफ द्वारा डेनी कार्य मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ ने जून 2019 में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को डेनी काय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2019 से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? आंसर है 5%। नेक्स्ट है, 11 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। आंसर है वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, 21 जून 2019 को ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किस वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है? आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, 15 जून 2019 को साहित्य अकादमी ने किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है? आंसर है गोविंद शर्मा। नेक्स्ट है, 31 मई 2019 को भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2019
2019 को राजस्थान के नए DGP बने हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट हैं जुलाई 2019 में विश्व बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है अंशुला कांत। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं? कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो तुरंत इसे लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं निर्मला कुमावत अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।